बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। बिजनौर शहर की सड़कों में बढ़ रहे जाम को देखते हुए आज एसपी यातायात अनिल कुमार ने शक्ति चौराहे से जज्जी चौराहे तक यातायात वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सड़क पर बेवजह खड़े वाहनों को सीज करके उन्हें क्रेन के माध्यम से थाने भिजवा दिया। साथ ही शहर में चल रहे दो पहिया वाहन स्वामियों के खिलाफ हेलमेट न पहनने और कागजात पूरे न होने पर वाहनों के चालान किए गए। साथ ही शहर में बिना परमिट की चल रही थी रिक्शा चालकों को एसपी अमित कुमार ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अगर जिस भी रिक्शा चालक का रिक्शे का परमिट नहीं होगा उसे सीज करके थाने भेज दिया जाएगा, अन्यथा कोई भी रिक्शा चालक ऐसी रिक्शा ना चलाए जिसका परमिट ना हो। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सर, ये जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? ये ट्रैफिक पुलिस का नॉर्मल का काम है, जो ट्रैफिक सर सबसे ज्यादा जो भीड़ और यातायात का उल्लंघन जो कर रहे हैं वो ई रिक्शा वाले हैं, इनके बारे में आपने कुछ सोचा है? इनके लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिनके परमिट है केवल उन्हीं को चलने दिया जाएगा। अपने माध्यम से आप बिजनौर वालों को क्या बताना चाहते हैं यातायात के नियम के बारे में? देखिए, यातायात नियम का पालन करना ना केवल नियमों का पालन ही है बल्कि श्रम के लिए भी है। सभी लोग नियम का पालन करेंगे तो उसके एक्सीडेंट भी कम होंगे और लोगों की जान सुरक्षित रहेगी।